उन्हें इसके लिए कोई ये नहीं कहना है कि जो जय श्री राम पर्टिकुलरली बोलेगा तो उसी को हम कहेंगे कि ये हिंदुस्तानी है, और जो जय श्री राम नहीं बोलेगा तो वो हिंदुस्तानी नहीं है। भारत में रहने वाला हर एक नागरिक हिंदुस्तानी है। मुझे अपना कहो चाहे मुझे तुम गैर कह लेना, नहीं है जो मोहम्मद का हमारा हो नहीं सकता। देखिए जो हिमाचल प्रदेश में जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें जो एक लेडी है जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो कुछ कश्मीरीज को बड़ा हरास कर रही है और कह रही है कि आप जय श्री राम के नारे लगाओ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में बहुत सारे मजहब के लोग रहते हैं और सभी इंडियंस हैं। उन्हें इसके लिए कोई ये नहीं कहना है कि जो जय श्री राम पर्टिकुलरली बोलेगा तो उसी को हम कहेंगे कि ये हिंदुस्तानी है, और जो जय श्री राम नहीं बोलेगा तो वो हिंदुस्तानी नहीं है। भारत में रहने वाला हर एक नागरिक हिंदुस्तानी है। अब देखा जाए हमारे यहाँ से जो लोग हैं वो बाहर काम करने जाते हैं, चाहे वो यूपी हो, हिमाचल हो या कहीं और हो, उन्हें तो कोई वहाँ हरास नहीं करता है ना। अगर यही श्रीनगर में कुछ हुआ होता, अगर यूपी के लोगों को परेशान किया होता उसका तो बड़ा वो उसको हाईलाइट किया जाता है। पर वहीं अगर हम बात करेंगे जो यहाँ पर हिमाचल में उन लोगों के साथ हुआ, वो बहुत ही गलत हुआ। हमें हमेशा से इंसानियत और भाईचारे को कायम रखना चाहिए, कभी भी मजहबी भेदभाव नहीं करना चाहिए। देखिए कोई कहता है अल्लाह अकबर, कोई कहता है जय श्री राम, उसके मजहब में है तो वो कहता है, पर अब उसको अगर जबरदस्ती हम ये चीज कहेंगे कि जबरदस्ती इस चीज को बोल, वो चीज तो मेरे हिसाब से बड़ी गलत है। और मैं यही कहता हूँ कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार को ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए जिससे कि एक नफरत का पैगाम ना जाए, जिससे कि एक भाईचारा हमारा खराब ना हो, जिससे कि एक गलत इमेज ना बने। चाहे सनातन कहें चाहे इस्लाम कहें, दोनों ही मज़हब बहुत खूबसूरत मज़हब है और यह मज़हब हमें शांति सिखाते हैं, भाईचारा सिखाते हैं, इंसानियत सिखाते हैं। हमें ऐसे प्रोपेगेंडा से हमेशा दूर रहना चाहिए, इंसानियत का काम करना चाहिए, क्योंकि इंसान बना ही मोहब्बत के लिए है, इंसानियत के लिए है। अगर हम इंसानों वाले काम नहीं करेंगे, बस यही फसाद करते रहेंगे जय श्री राम ऐसा वैसा, तो इससे क्या होगा। अगर जय श्री राम करना है तो मंदिर में जाके करना चाहिए, या ना कि पब्लिक में हम किसी को फोर्सफुली उसको कहेंगे कि आप जय श्री राम बोलो। कोई बेचारा अपनी स्टेट छोड़कर दूसरी स्टेट में जाता है दो वक्त की रोटी के लिए जाता है, और उसे ये कहना कि आप ये यहाँ काम नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकता वो काम, क्या वो इंसान नहीं है? वो भी तो इंसान है ना, उसको भी तो पेट है ना, वो बेचारा इतनी दूर से गया है, तो ऐसा बोलना बिल्कुल गलत है। मैं इस चीज की कड़ी निंदा करता हूँ। और साथ साथ में मैं छोटी सी एक नात बताऊंगा जिसमें बताया गया इंसानियत और भाईचारा का पैगाम, क्योंकि इस वक्त जो ये वीडियो देखी तो मैंने सोचा कि मुझे उस नात को बोलना चाहिए। नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता, नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता, मुझे अपना कहो चाहे मुझे तुम गैर कह लेना, नहीं है जो मोहम्मद का हमारा हो नहीं सकता। मोहब्बत के हसी सपने आँखों में सजा लो तुम ही पे जान दे देंगे कभी भी आजमा लो तुम, ये झगड़े तेरे मेरे कि अपने आप मिट जाए, हमें अपना बना लो तुम, तुम्हें अपना बना ले हम। मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों का तारा है, सहारा बेसहारों का खुदा का वो दुलारा है, समझ के तुम फकत अपना हमें तकसीम ना करना, नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं, सबक तुमने मोहब्बत का हर इंसान को सिखलाया, मुकद्दस रास्ता देकर दीन दुनिया में फैलाया, तुम ही सागर तुम ही कश्ती तुम ही दरिया, रसूल अल्लाह
रसूल अल्लाह रसूल अल्लाह। इस्लाम की अगर हम बात करेंगे, किसी अंधे को रास्ता दिखाने का नाम इस्लाम है, किसी गरीब को गले लगाने का नाम इस्लाम है, किसी प्यासे को पानी पिलाने का नाम इस्लाम है, किसी भूखे को खाना खिलाने का नाम इस्लाम है, मोहब्बत का नाम इस्लाम है, इंसानियत का नाम इस्लाम है, इबादत का नाम इस्लाम है। हाथ में AK-47 लेकर बेगुनाहों की जान लेने वाला इस्लाम नहीं है। जो आतंकवादी है वह कभी मुसलमान नहीं हो सकता, और जो मुसलमान है वह कभी आतंकवादी हो ही नहीं सकता। मेरा यही मैसेज है कि भाईचारे को कायम रखे। जो अल्लाह अकबर कहता है वो अल्लाह अकबर कहता रहे, जो जय श्री राम कहता है वो जय श्री राम कहता रहे। किसी के साथ जोर जबरदस्ती ना की जाए। हम सभी भारतीय है, आओ मिलकर हम सभी प्यार के साथ रहे, हम सभी भाईचारे को कायम रखे और इस दुनिया में इंसानियत का मैसेज देता रहे।